आईपीएल 2022 में केकेआर के खिलाफ पहले ही मुकाबले में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा और हार के बाद चेन्नई की टीम आईपीएल 2022 से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। आखिरकार एक मैच हारने के बाद चेन्नई बाहर कैसे हो गई, सारी बातें विस्तार से करेंगे। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहला मुकाबला चेन्नई और कोलकाता के बीच में वानखेड़े मैदान पे खेला गया, जिसमें चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, जिसमें सबसे ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी ने 38 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके जवाब में केकेआर की ओर से बल्लेबाजी करते हुए आजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 34 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, 6 चौके और 1 छक्के की मदद से। मगर इनको मिचेल सेंटरन ने पवेली का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद नीतीश राणा ने 21 रन लगाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने कप्तान ने 20 रन की नाबाद पारी खेल डाली और केकेआर की टीम ने 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया 18.3 ओवर में। दोस्तों, इस समय आईपीएल की पॉइंट टेबल में केकेआर की टीम नंबर 1 पे आ चुकी है 2 पॉइंट्स के साथ, तो वहीं चेन्नई की टीम नंबर 10 पे है पॉइंट टेबल में, यानी कि लगभग चेन्नई की टीम बाहर हो चुकी है। गाइस, इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।